इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है। नहीं देखे फ्रेंड्स, मेरी सारी फ्रेंड्स कहानी सुन के चली गई हैं घर पे, क्योंकि खाना बनाना है सबको, बायरा निकालना है और मैं भी अब खाने की तैयारी ही करूंगी। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जी करते हैं काम, क्योंकि 6 बजे से पहले पहले मुझे गांव भेजना है। ऐसे ही मनाते हैं जिस सिंपल हमारा करवा चौथ होता है, और ऐसे ही सिंपल अपना मनाते हैं। तो फ्रेंड्स छोले हमारे देखिए वो बल गए हैं, और यहाँ हो गया कढ़ाई पनीर की तैयारी। अभी शिमला मिर्च और प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। क्या बन रहा है जी? छोले। तो फ्रेंड्स मैंने ये ग्रेवी बना के पहले ही रख दी थी, क्योंकि मेरे पनीर में भी काम आएगी और छोले में भी काम आएगी। तो फ्रेंड्स दोनों सब्जी तो मेरी बन गई। अब मैंने चावल का पानी रखा है और इधर बना रही हूँ मैं खीर। और खीर में डालने के लिए पहले मैं मखाने भून रही हूँ, भून के और फिर उन्हें पीस के तब मखाने डालूंगी। इससे ना क्या है, खीर बहुत अच्छी लगती है, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है। और तो मखाने जब मैं पीस के डालूंगी तो वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए खीर बन गई है मेरी, और थोड़ी सी कमी रह गई थी इसमें, तो मैंने सोचा था जल्दी से पका देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं बना रही हूँ आटा, और खीर भी मेरी बन गई है, चावल भी बन गए, और सब्जियाँ भी मेरी दोनों ही बन गई हैं। बस ये इसमें थोड़ी सी कमी थी, ये मैंने दोबारा से। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूजा का खाना सारा लगा दिया है, जो बायना है मेरा, और ये खीर है, ये रायता है, मिठाई, फल, और ये छोले की सब्जी है, ये पनीर है, पूरी, चावल। गांव में बायना लेके, और उसके बाद फिर आएंगे, तो फिर उधर से बायना लेके आएंगे। मैं इधर से लेके जाता हूँ और फिर उधर से लेके आ जाता हूँ। तो हर साल ये ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके जाते हैं उधर से लेके आते हैं। तो पहले तो ये गांव जाएंगे बायना लेके, फिर उसके बाद आएंगे, पूजा वूजा करेंगे हम अपनी। चलिए जी चलते हैं। जाओ हमारा जल्दी है ना। नमस्ते। चांद निकल गया, चांद आ गया, चांद भी निकल गया। तो जी ये देखिए मेरा दूसरा बायना भी आ गया है, मिलिए जी इनसे। दरअसल हम यूपी यूपी के हैं, तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ एक दूसरे के यहाँ बायना ऐसे देते हैं, मतलब मैं बड़ी हूँ तो मेरे यहाँ बायना आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो राखी लेके आई थी, अब ये है पिंकी, ये मेरी फ्रेंड भी है, भाभी भी है, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोस्त भी है, सब कुछ है। जो चाहे हाँ, जो चाहे चांद का दर्शन कर लो। अच्छा चलो। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया बेनिफिट है मेरे घर का, वो सामने चांद दिखाई दे रहा है, और 8:15 बजे चांद निकला है,
तो फ्रेंड्स चांद निकल गया है और 8:15 के करीब चांद निकला है और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस बार ऊपर बिल्डिंग पे नहीं जाना पड़ेगा, मेरे रूम से ही चांद दिखाई दे रहा है। और बाहर बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ रहे हैं लोग, तो उसी की आवाज़ें आ रही हैं। तो जी चलिए अपनी पूजा की थाली लेके आते हैं। कैमरे के पीछे रही हो, ठीक है? तो ये कैमरे के पीछे खड़े हैं और मैं इसी में कोई देख रही हूँ तो आपको भी तो व्रत है। कोई बात नहीं, पहले तो आपको कुछ ज्यादा ही खातिरदारी नहीं हो रही आज पापा। आज तो पापा की बहुत खातिरदारी हो रही। बच्चे भी कह रहे हैं आज पापा की ज्यादा खातिर तवज्जो हो रही है। लाओ पैर तो करो, पैर तो छू लो। नहीं, पैर तो छू, एक साल में एक दिन तो पैर छुआ लो। लाओ फ्रेंड्स, अब 9 बज गए हैं, पूजा हमारी हो गई और अब हम खाएंगे खाना क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह से पानी भी नहीं पिया, ना इन्होंने ना मैंने, दोनों ऐसे ही हैं। नहीं, मैंने बीच में एक चाय पी है। एक चाय पी है, देख ले, कह रहे हैं अपने आप एक चाय पी है। तो जी फ्रेंड्स, अब टाइम हुआ है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी करवा चौथ।